क्या हाल चाल है यार वेलकम uh, बैक आज की वीडियो में बात करते हैं लमसम वर्सेस डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग के बारे में uh, तो पहले बात करते हैं कि होता है क्या है और इसमें कैसे करना चाहिए बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और माय अंडरस्टैंडिंग अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर सो डोंट टेक इट टू द आर जस्ट यूज़ योर ओन थिंकिंग बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ दिस तो लमसम इन्वेस्टिंग क्या होता है कि लट से मेरे पास हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स हैं मे बी मैंने कुछ सेविंग्स की हैं कोई प्रॉपर्टी बेची है कहीं से मेरे पास हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स रखे हुए हैं लमसम मतलब मैंने हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स उठाए और एक बार में पूरा मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया और जबकि जो डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग उसमें मैंने उस हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स को लेके मे बी आई कीप स्प्रेडिंग इट कि मैंने लट से हर महीने फाइव थाउजेंड डॉलर्स लेके और अगले बीस महीने तक उस हंड्रेड थाउजेंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो इसमें देखो मेरा खुद का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रहा है हालांकि और थोड़ा सा मैंने ऑनलाइन पढ़ा भी इसके बारे में तो यार सिर्फ मेरा ही नहीं काफ़ी के स्टडीज़ हुई जिसके हिसाब से ये लगता है कि लमसम इन्वेस्टिंग विल आउट परफॉर्म Uh, अगर आप डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल एक भाई ने मेरे वीडियो पूछा हुआ था एक पे कि उनके पास हंड्रेड थाउजेंड डॉलर आज की डेट में हैं ऐसे टाइम पे तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट सो ओपिनियन भी है मेरा इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एक्सपीरियंस भी है uh, तो जब मैंने uh, मेरे शुरुआती दौर में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड एंड थे मेरे बैंक uh, अकाउंट में और पहले मैंने शुरुआत में रॉबिन हुड पे अकाउंट बनाया और फिर मैंने सिर्फ आई थिंक थाउजेंड या फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर से मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज मैं चाहता था कि एक्सपीरियंस करना कि कैसे खरीदा जाता है कैसे बेचा जाता है एग्जैक्टली exactly ट्रांजेक्शन कैसे होता है आई वॉन्ट टू जस्ट यू नो हैव दैट एक्सपीरियंस टू स्टार्ट हुआत तो उसके बाद जब मेरे को थोड़ा सा पता चला उसके बाद मेरे जो एक लाख बीस हज़ार थे यहाँ पे हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर्स मैंने सारे रॉबिनहुड हुड में मैं ले कर आ गया ट्रांसफ़र करके और उसके बाद uh, मैंने uh, एक ही बार में मतलब एक बार से मतलब मैंने यू uh, नो you know, जैसे उसमें कुछ बैंक से मैंने पचास हज़ार एक बार निकलवाया शायद पच्चीस पच्चीस दो बार ऐसे ही बट विद इन द पीरियड ऑफ आई थिंक वन मंथ आई टुक ऑल माई हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर एन आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द मार्केट एंड रूम मीडिया एंड यून शॉर्ट टर्म थिंकिंग एटसेट्रा आई जस्ट अंडरस्टुड दैर इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम एंड मैंने सारा पैसा डाल दिया यू विलीव कि उसके दो महीने बाद कोविड का ये सीज़न वगैरह स्टार्ट हो गया मार्केट एकदम से गिर गया और वन uh, ट्वेंटी का मेरा घटना शुरू हो गया शुरू में थोड़ा बढ़ रहा था उसके बाद करते 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 मेरा एट्टी थाउजेंड डॉलर तक पहुंच गया मेरे जो इस फील्ड में यार दोस्तों ने बोला कि तुम पैसे निकालो तुम्हारे और ना डूब जाए और ना नुकसान हो जाए बट आई न्यू दैट दिस इज़ वर्चुअल लॉस एंड आई एम नॉट एन इमोशनल इन्वेस्टर द लॉस विल ओनली टेक प्लेस इफ आई टेक माई मनी आउट एट दिस टाइम आई वॉज prepared, सो so, मेरे पास अपना सैलरी वगैरह आ रहा था थोड़े बहुत मेरे पास एमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखे थे और मेरा ऐसा कोई काम अटक नहीं रहा था जो सैलरी के बाद भी जहाँ पे मेरे को पैसे चाहिए थे तो आई टोल्ड माई सेल्फ एनी दिस दिस एक्चुअली आई टोल्ड माई सेल्फ इवन बिफोर आई इन्वेस्टेड दिस मनी आई टोल्ड माई सेल्फ इवन इफ दिस हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड वुड टर्न टू ज़ीरो आई विल नॉट टेक दिस आउट मैंने वहाँ पर रखे रखे और अभी तो आई थिंक वो डबल से भी ज़्यादा हो गए होंगे शायद तो मेरा आपको कहने का ये होगा उन भाई को भी और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये करता क्योंकि मैंने किया है कि अगर मेरे पास एक्स अमाउंट रखा हुआ है फिलहाल तो आई वुड पुट ऑल ऑफ दैट एस लमसम एंड टू एवरेज इट आउट मे बी किसी वजह से आपको अगर ऐसा फील आता है कि अभी मार्केट यू नो ऊपर है यू शुड वेट आई पर्सनली आई वोंट वेट बिकॉज द मोर आई वेट बेस्ड ऑन सम मीडिया एंड रूमर्स एट्सेट्रा आई थिंक आई विल शॉर्ट एंड और आई विल डिक्रीज माई टाइम इन द मार्केट ओके सो इसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी हमने टाइम इन द मार्किट एंड टाइम इंग द मार्किट के बारे में तो इफ़ यू हैविन वॉच दैट यू मे कंसिडर वॉचिंग दैट टू आउटपुट दैट समय द डिस्क्रिप्शन तो और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि मतलब वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डालने के बाद आई डिड नाट स्टॉप एक बार लमसम डालने के बाद आई कैप्ट ऑन इन्वेस्टिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस जितना मेरी पॉकेट मेरे को अलाउ करती थी वो फिगर मेरे लिए कुछ और होगा आपके लिए कुछ और होगा किसी और भाई के लिए कुछ और होगा तो आइडिया वो नहीं है आइडिया ये है कि एक बार अगर लमसम एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो डरो मत उसको डाल दो और उसके बाद हर महीने एक कंसिस्टेंसी से ये डालते रहो ताकि वो धीरे धीरे आपको अगर ऐसा लगता है आपको मेरे को लगेगा आपको अगर ऐसा लगता है कि जिस दिन आपने खरीदा उस दिन बड़ा हुआ था तो देन इन द लॉन्ग रन इफ़ यूर स्टिल वॉइंग यू वुड भी एबल टू एवरेज इट आउट टू सेटिस्फाई योर सेल्फ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपसे पाँच साल बाद में अपना आज का स्टॉक उठा के देखूंगा तो आई वि आई विलवेज फील दैट आई बॉट इट एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस यू आर थिंकिंग दैट दिस इज दिस हाई प्राइस फॉर दिस स्टॉक बिकॉज यू आर जस्ट कंपेयरिंग इट विद टूडे इफ यू जस्ट बाइट एट वट एवर प्राइस इट हैज टूडे एंड लुक एट इट आफ्टर फाइव ईयर्स most of the chances are that you will feel that you bought it at a very reasonable price and after five years if that's not your feeling then you should wait for another five years to have that feel and that's why you should create an emergency fund which we will talk in the videos so again lump sum investing based on my personal experience and based on some of the case studies that i read it always outperform I'm not sure if I should say always, but it most of the times it will outperform the dollar cost investing. So अगर पैसा रखा हुआ तो एक बार में डालने डाल सकते हैं मैं होता तो, तो मैं डालता मैंने डाला भी था और उसके बाद I will make sure that I should not just stop right there. I should have some sort of consistency without even looking at the price tag. आइडली यू शूड हैव एन इंडेक्स फंड एंड हैव समथिंग गोइंग लाइक ऑटर डेबिट डायरेक्टली टू दैट कंपनी में बी वैनगढ़ हुए एवर यू प्रेफर्स टू यूज़ ताकि हर महीने आपका हज़ार डॉलर या पाँच सौ डॉलर जितना भी आप डालना चाहते हो जाए और वहाँ से वो स्पेसिफिक इंडेक्स फंड में अपना अपने आप डल जाए विदाउट इवन यू लुक एट कि भाई इस महीने ज़्यादा है तो ना खरीदूँ या कम है तो ना खरीदूँ एट्सेट्रा डोंट इवन थिंक अबाउट दैट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस शेयरिंग इफ़ यू लाइक इट गुड इफ़ यू डोंट लाइक इट दैट्स फाइन टू अच्छा वीडियो लगा हो इस तरह की वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट कर सकते हैं नहीं लग रहे हैं देन इट्स फाइन टू देर आर थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स लाइक मी सो आई एम सॉरी आई कुडेंट मीट योर एक्सपेक्टेशंस और दूसरा यार uh, कुछ मेरा मैंने uh, जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था कि जो जो मैंने सीखा है मैं इस चैनल के थ्रू सारा शेयर कर रहा हूँ But also, whenever uh, after watching my video, if you think that I missed something or if I should make you know, any specific video, जस्ट पुट दैट इन कॉमेंट्स तो मेरे को टैली करने का एक मौका मिल जाएगा कि हाँ जो मेरी लिस्ट है उसमें ये चीज़ है या नहीं है नहीं है तो मैं उसमें ऐड कर लूँगा जैसे भी एक भाई ने कल परसों डाला हुआ था कि उनको टैक्सेशन uh, के बारे में कुछ समझना है और वो वीडियो है मेरी लिस्ट में फोर श्योर sure, क्योंकि इट्स ए वेरी गुड थिंग फॉर टैक्स बेनिफिट तो बात करेंगे हम तो ऐसा कुछ भी अगर सजेशन है तो फील फ्री टू पुट दैट इन कॉमेंट्स और uh, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बाय द वे एक अपने ट्रेडमिल का नाम सुना होगा पैलेटन का तो मैंने पैलेटन ऑर्डर किया था आज सुबह ही आया और uh, मैं सोच रहा हूँ वीडियोस का बना के डालूँ बट आई एम नॉट मेरे ऐप्स वगैरह तो है नहीं तो <laughs> उस तरह का रिव्यू नहीं कर पाऊंगा बट आई एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू शेयर सम इनसाइट्स लेट मी नो इफ यू थिंक दिस विल बी ओके ऑन दिस चैनल चलो टेक केयर और uh, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय